खबर मंदसौर जिले के गरोट से। गरोट नगर पूर्णतः रहा बंद। समुदाय विशेष के हमले को लेकर के जो 3 सितंबर को घटना घटित हुई थी, जिसके विरोध में हिंदू समाज व गरोट विधायक देवीलाल धाकड़ सहित कई लोगों ने 4 सितंबर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराकर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन द्वारा उचित कदम नहीं उठाने से आज 6 सितंबर को गरोट नगर पूर्णतः रहा। किसी भी गली मोहल्ले में एक भी दुकान नहीं खोली गई। दिन भर नगर में सन्नाटा छाया रहा। नगर के सभी चौराहों पर पुलिस व्यवस्था की गई। प्रशासन द्वारा खड़ौदा रोड स्थित गुमटियों को तोड़ा जाकर के गरोट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र ताणेकर के आश्वासन के बाद अनिश्चितकालीन गरोट बंद की जो बात थी उसे यहीं समाप्त किया गया। एक प्रतिनिधि मंडल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मिला और विभिन्न मांगों को दोहराते हुए कहा है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, इनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी जल्द तोड़ने की बात कही गई पर इस पर सहमति बनी। मौके पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजेश सेठिया, रामदयाल मालवी, दिनेश गुरुकृपा आदि हिंदू संगठन के लोग उपस्थित हैं और अनिश्चितकालीन गरोट बंद का जो आह्वान था उसे खत्म करते हुए नगर की जनता के लिए बाजार खोलने पर सहमति बनी। गरोट संवाददाता जीवन सांकला की रिपोर्ट।